दोस्तों, आज हम आपको पेड़ों पर रहने वाले सांप का घर दिखा रहे हैं। शायद आपने इससे पहले पेड़ पर सांप का घर देखा नहीं होगा। ये फॉरस्टन कैट स्नेक का घर है। जैसे कि आपको बताया था कि फॉरस्टन कैट स्नेक पेड़ों की दरारों में अपना घर बनाते हैं। देखिए यह कैसे अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहा है। ऐसा खूबसूरत नज़ारा शायद ही किसी को देखने मिलता है। ज़मीन पर मिट्टी में सांपों के बिल तो बहुत से लोगों ने देखे होंगे, लेकिन आज पेड़ों पर सांप का घर कैसे होता है ये भी आप देख लीजिए। और साथ में जब भी आप किसी पेड़ पर चढ़ते हैं तो सावधानी बरतना मत भूलिए, क्योंकि पेड़ों की दरारें सांप का घर होता है और वो वहाँ पर विराजमान होते हैं। जरा सी चूक हो गई तो आपको काट भी सकते हैं। सभी पेड़ों पर रहने वाले सांप या तो पेड़ों की जड़ों में पड़ी हुई दरारें या फिर पेड़ों के बीच में पुरानी शाखाओं में पड़ी हुई दरारों में अपना संसार बसा लेते हैं। वही उनके अंडे और उनमें से बच्चे भी संसार में कदम रखते हैं। पेड़ों वाले सांपों के लिए सबसे सुरक्षित जगह पेड़ की दरारें होती है। उसमें वह खुद को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसी और भी दिलचस्प जानकारी के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।